किसान भाइयों, हमारे वहाँ एक कहावत है कि कुदार नहीं चलेले तो का चलेला। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फावड़ा चलाने नहीं आता है तो आप किसान नहीं हैं, ऐसा नहीं माना जाता है। तो मेरा भी कहीं ना कहीं ये मानना सही है कि अगर आपको फावड़ा चलाने नहीं आता है तो आप सही मायने में किसान नहीं माने जाएंगे। फावड़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक किसान के पास होनी ही चाहिए और जो है कि हर एक किसान इसी से अपनी खेती की शुरुआत करता है। ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है, सबसे पहले फावड़ा ही आया। तो किसान भाइयों, मैं आपके लिए टाटा एग्रिको की तरफ से ले आया हूँ दो प्रोडक्ट, एक है फावड़ा और एक है जो है कि आपका बेलचा, जिसे अंग्रेजी में शॉवेल भी कहते हैं। इसकी पूरी ए टू जेड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर में पहले क्या था और अब क्या हो गया, इसमें बहुत अच्छे खासे बदलाव किए हैं टाटा एग्रिको ने। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं देवेंद्र पटेल, पूर्वांचल फार्म एग्रिल कैरियर से। इससे पहले कि हम अपने दो प्रोडक्ट के बारे में जानें, आपको बता दें कि टाटा एग्रिको आखिर है चीज़ क्या। मैं आपको बता दूँ, टाटा स्टील के अंतर्गत इसका डिवीज़न आता है टाटा एग्रिको का, और ये इंडस्ट्री लेवल और एग्रीकल्चरल लेवल के बहुत ही बेहतरीन और जेन्युइन टूल्स बनाते हैं। खेती का पहला औजार ही है फावड़ा, जिसे कुदाल भी कहते हैं और अन्य लोकल भाषा में बहुत कुछ कहते हैं। तो ऐसे में यह अगर आपका जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है तो आप जो है कि खेत में काम करने गए और आपका जो है कि टूल खराब हो गया, टूट गया, बेट पर से छटक गया, तो ये सब सारी दिक्कत ना हो तो इसके लिए आप एक बेहतरीन टूल यानी फावड़ा का चुनाव करें, जिसमें टाटा एग्रिको सबसे पहले नंबर पर आता है। टाटा एग्रिको के प्रोडक्ट मैं जो है कि बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये प्रोडक्ट मैंने और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, और भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं जिनमें टाटा एग्रिको के प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। ये कहने वाली बात नहीं है, आपके पास ये खुद ही एक्सपीरियंस आ जाएगा। जब आप टाटा एग्रिको के फावड़े या और अन्य टूल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनके प्रोडक्ट कितने जेन्युइन और शानदार होते हैं। समय के साथ फावड़ों में क्या बदलाव हुआ है हम इस सेक्शन में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता देता हूँ, बेट जहाँ पे लगता है वहाँ से छटकने और टूटने की समस्या इन नए फावड़ों, नई जनरेशन के फावड़ों में नहीं है, और आपकी जो है कि ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। और मैं आपको बता दूँ, मैंने इसमें एक नई चीज़ नोटिस की है, सेल्फ शार्पनिंग की। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अगर फावड़े पर धार दे देते हैं और आप इसे खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इस पर अगर किसी चीज़ का, जैसे कहने का मतलब गिट्टी वगैरह और चीज़ें इस पर ना इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए नहीं है लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अगर उन सिर्फ और सिर्फ खेत में और मिट्टी पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो है कि वहाँ से खुद ब खुद ये शार्प होने लगेगा, आपको दोबारा इस पर शार्पनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये है नए जनरेशन के टाटा एग्रिको के फावड़े, और इसमें जो है कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सही है। मैं आपको बताऊं कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको थकान, बाकी आप पुराने फावड़ों को इस्तेमाल करिए और आप जो है कि नए जनरेशन के फावड़ों के इस्तेमाल करिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये मेरे कहने वाली बात नहीं है, ये खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। तो किसान भाइयों, हमने जान लिया फावड़े के बारे में, अब जो है कि हम जानेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शॉवेल के बारे में। शॉवेल यानी बेलचा मजदूरों का पसंदीदा औजार है, तो इसके बारे में क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, समय के साथ इसमें क्या बदलाव हुए हैं, वीडियो के हम इस अगले सेक्शन में जानेंगे। बेलचा, शॉवेल, यह लेबर का बहुत ही फेवरेट औजार है। वर्कर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, यह टाटा एग्रिको का प्राइम प्रोडक्ट है। गार्डनर्स इसका अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं और किसान भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बता देते हैं इनके बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि समय के साथ मैंने बताया है कि इसमें बदलाव हुए हैं। देखिए, इसमें तो पहली बात लार्ज हैंडल मिलती है आपको, जो है कि आपको यहाँ मान लीजिए अगर उठाते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक लोड ले जाने के लिए, वहाँ पर आपको आसानी से ईज ऑफ मोशन हो, यानी जो है कि आपको कोई दबाव ना पड़े।
इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही सही है और जो है कि मूवमेंट के लिए इसको ऑप्टिमाइज किया गया है, बैलेंस्ड एकदम बनाया गया है। इसमें आपको कई तरह के हैंडल मिल जाते हैं, जैसे वुडन शॉवल हैंडल मिल जाता है, मेटल का शॉवल हैंडल मिल जाता है, पीवीसी हैंडल मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है। और आपको बात बताते हैं कि ग्रीन इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इसमें जो है कि स्टील हैंडल भी दिया जाता है, कि आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि आप स्टील का हैंडल ले सकते हैं जो कि ड्यूरेबल होता है और बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है कि IS स्टैंडर्ड जो शॉवेल का होता है ये उस पर आधारित है। ये जो है कि टाटा एग्री को इसीलिए फेमस है क्योंकि इनके सारे प्रोडक्ट जो होते हैं इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रहता है तो उनकी परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और रिसेंट के जो टाटा शॉवेल आए हैं वो काफ़ी हल्के और मतलब ले जाने में बहुत ही आसानी से कहीं भी आप ले जा सकते हैं बिना किसी थकान के। और ये जो कि प्राइम टाटा C30 4 स्टील से बनाए गए रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये नई कैटेगरी का शॉवेल लॉन्च हुआ गया है जिसमें आपको सिल्वर टिप मिलता है जो कि बहुत ही शानदार लुक देता है किसान भाइयों। तो एक कुल मिला जुला के ये है कि आपका जो है कि पहले जैसे ट्रेडिशनल शॉवेल आते थे अब शॉवेल वैसे नहीं रह गए हैं। अब उसमें काफ़ी जो है कि उसमें फिजिक्स लगा है, उसमें काफ़ी जो है कि टेक्निक लगी है और उनको इजी हैंडलिंग और जो है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन पे काफ़ी वर्क किया गया है और ख़ासकर कि टाटा एग्रो ने इस पर काफ़ी वर्क किया है। तो किसान भाइयों, हमने जान लिया कि शॉवेल यानी बेलचा और फावड़े के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन टाटा एग्रिको की तरफ से आने वाले। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप जो है कि डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जो है कि हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। आपको किस तरह से एग्रीकल्चर की वीडियोज़ चाहिए आप हमें लिखना ना भूलिए। ये वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।